हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक शायरी क्वेट ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस ऐप को हम पहले इसका डेमो दिखा देते हैं। तो इस ऐप को मैंने यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे शायरी का जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसका लेआउट ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दिया गया है, तो बहुत सारी कैटेगरी आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, कैसे यहाँ पे एडिट करना है, वो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे जो है इसका टेस्ट ऐड, यहाँ पे ऐड मोब का ऐड भी शो होगा। और करने के बाद इसे किसी भी कैटेगरी को ओपन करते हैं। फिर फॉरवर्ड का ऑप्शन है, बैकवर्ड का ऑप्शन है और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, फिर कॉपीड का ऑप्शन है। इसको कॉपी करके आप किसी को शेयर कर सकते हैं या फिर कहीं भी सोशल मीडिया में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप इस ऐप को क्रिएट करेंगे और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शनैलिटी दिए गए हैं। तो सारे फंक्शन से यहाँ पर हम आपको शो करा के आपको दिखाते हैं। करने के बाद यहाँ पर कोई और यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करते हैं और करने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन है, बैकवर्ड का ऑप्शन है। ये सारे यहाँ पे डेटाबेस ऐड किया गया है फायरबेस की हेल्प से। तो ये सारी डेटाबेस आपको फायरबेस में ऐड करना होगा। तो इससे को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करें और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप यहाँ से आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड यहाँ पे दिख जाएगा, ऐड मूव का ऐड ऐप लगा सकते हैं और यहाँ पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। इसको आप प्ले स्टोर पब्लिश भी कर सकते हैं इसका पैकेज का नेम चेंज करके। तो सारी चेंजिंग कैसे करना है और कैसे इसमें एडिट करना है वो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। फिर आपको इसका सोर्स कोड भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको यहाँ पे नेविगेशन बार यहाँ पे दिख जाएगा, तो नेविगेशन बार में आपको जो भी ऐड करना होगा वो वहाँ पे अलग से यहाँ पे ऐड करेंगे। ऊपर यहाँ पे ईमेल आईडी और जो कुछ भी चेंज करना है वो सब यहाँ से आपको चेंजिंग कर लेना है, ठीक है। तो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कोई भी स्टोरी होगा, शायरी होगा, क्वेट होगा, तो कुछ भी होगा आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है और यहाँ से इसे क्रिएट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस ऐप को हम क्रिएट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो यहाँ से मैंने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसमें आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, क्लोज प्रोजेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसका सोर्स कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसे एक्सेप्ट फाइल कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जो फाइल होगी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और करने के बाद इसका एपीके भी आपको मिल जाएगा। एपीके अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहते हैं किस तरह से शो हो रहा है, तो इस ऐप का एपीके आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे आएंगे। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ पे डेस्कटॉप का पाथ यहाँ पे सेट देख लेना है। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और करने के बाद यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का एंड्रॉयड का आइकन बना रहेगा और करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो फाइल होगी यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। तो नेट की स्पीड से इंपोर्ट होता है, तो आपको अपने नेट को ऑन कर देना है और आपकी नेट की कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो बहुत जल्दी से यहाँ से इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो देखिए मेरी जो फाइल है यहाँ से पूरी तरह से इंपोर्ट हो गई और यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। इसके बाद इसे हम ओपन कर लेंगे build.gradle वाले फाइल को। तो यहाँ से हम इसे ओपन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। और अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे माइग्रेट टू एंड्रॉयड एक्स कर देंगे, माइग्रेट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो एंड्रॉयड एक्स में माइग्रेट हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है आपके build.gradle में तो ही करना है आपको, नहीं तो फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसके बाद से मैनिफेस्ट वाली फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अगर इसका ऐप का आइकन चेंज करना है तो यहाँ पे ड्राइवर फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। यहाँ से भी आप इसे ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आरएस में मीप मैप में जाकर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी प्रोवाइड किए गए हैं, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम आपको सब शो करा के दिखा देते हैं। बाकी जितनी भी चेंजिंग है वो सारी चेंजिंग हम आपको करके दिखाएंगे। तो अगर कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एटीट्यूड का है, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेट्स होंगे, स्टोरी होंगे या फिर कोई भी शायरी होगा, वो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसको भी मैं इसे सारी फाइल को ओपन करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आरएस में आएंगे, एनिमो वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं करना। और उसके बाद से यहाँ पे फॉन्ट में, तो इसमें एक फॉन्ट दिया गया है। फिर यहाँ पे लेआउट वाले फाइल में आएंगे, लेआउट वाले फाइल को यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम डिजाइनिंग पार्ट भी देखते रहते हैं। अगर इसका डिजाइनिंग पार्ट प्रॉपर यहाँ पे वर्क अगर नहीं करेगा तो यानी कि आपके सोर्स कोड में एरर है, तो आपको उसे रिमूव कर लेना है।
और अगर प्रॉपर यहाँ पे सोर्स कोड का जो बिल्ड है यहाँ पे शो हो रहा है आपका प्रॉपर डिजाइनिंग, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर शो हो रहा है। और कोई कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड भी नीचे लगाया गया है, तो ऐड का अगर यहाँ पे ऐड मूव का जो आईडी है आपको बस आईडी चेंज करना होगा, तो आईडी आप वहाँ से चेंज कर लेंगे। ऐड मूव का ऐड कैसे लगाते हैं तो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप उस वीडियो को आप देख के आप ऐड मूव का ऐड चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वैल्यूज फाइल में आएंगे, जो चेंजिंग करना है वो सब हम आपको दिखा देते हैं। आपको आना स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ पे ऐप का नेम अगर चेंज करना है तो ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है, तो ऐप का नेम आप वहाँ से चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे जो ऐड का है ऐड की आईडी, तो यहाँ पे ऐड की आईडी आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देना है, ईमेल एड्रेस आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, इस तरह से आपको चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पैकेज का नेम चेंज करके आपको दिखाते हैं। लाइक यहाँ पे वाला है, इस पर पैकेज का नेम चेंज करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, रिफ्लेक्टर रीनेम पैकेज कर देंगे। और यहाँ पे ब्लॉग लिखा है तो कोई भी नेम यहाँ पे हम दे देते हैं, जो यूनिक हो, जो आप अपने प्ले स्टोर पर जब पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे यूनिक पैकेज का नेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे सायरी डू रिफ्लेक्टर, तो यहाँ पे पैकेज का जो नेम होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी से किसी को भी यहाँ से ओपन करके किसी का भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर रीनेम। और यहाँ पे रीनेम पैकेज पे क्लिक करेंगे, फिर जो भी नेम यहाँ पे आप देना चाहते हैं वो सब यहाँ से चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप पैकेज का नेम आप चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको पैकेज का नेम चेंज करना बता दिया। पैकेज का नेम चेंज हो जाने के बाद आपको आना है बिल्ड और ग्रेडल में, और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉम सायरी ऐप और उसके बाद टेक्निक लिखा है, तो यहाँ पे सायरी यहाँ पे ऐड कर देना होगा अलग से। जो भी आप पैकेज का नेम चेंज करते हैं वो यहाँ पे आके आपको इसे चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ से इसे हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसे चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद यहाँ पे सिंक नाउ कर देते हैं, तो यहाँ से जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो यहाँ से प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो जाने के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आ रहा। इसके बाद इस पैकेज को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद आपको इसमें फायरबेस में ऐड करना होगा। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो इस वीडियो को देखते जाइए जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पे फायरबेस टाइप करना है अपने क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे फायरबेस को ओपन कर लेंगे और अपने ईमेल से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया, फिर यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को भी आपको फायरबेस से लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो मैंने पैकेज का नेम कॉपी किया था वो यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे जो अभी प्रोजेक्ट का जो नेम है, कोई भी प्रोजेक्ट का नेम आपको यहाँ पे दे देना है, और प्रोजेक्ट का नेम दे देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट अकाउंट मैंने यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे फायरबेस का जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और हो जाने के बाद यहाँ पे जो भी चेंजिंग करना है वो सारी चेंजिंग यहाँ पे करके हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप किसके लिए आप ऐप बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मेनली एंड्रॉयड के लिए बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो मैंने पैकेज का नेम कॉपी किया था, और यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे। आप निक नेम भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस JSON फाइल है। तो अगर यहाँ पे पैकेज का नेम मैंने यहाँ से कॉपी करके डाला था, फिर यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस JSON फाइल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जिस तरह से यहाँ पे JSON फाइल होगी वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इस पर हमें क्लिक कर देते हैं, इसे पहले कट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे JSON की जो फाइल है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आना स्किप दी प्रोजेक्ट, यहाँ पे स्किप पे कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है, और यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फायरबेस का। आपको जाना है डेवलपमेंट, डेवलप पे जाएंगे और यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे।
फिर यहाँ पे आना है और इस तरह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे लॉक्ड फाइल, जो कि हमारा जो इंटरनल कोडिंग होगा वो कोई और ना देख पाए, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे हम रहने देंगे। फिर यहाँ पे डेटा आ जाएगा इस तरह से, आपको आना है तो यहाँ पे आपके जो ऐप है उस ऐप के लिए यहाँ पे यूनिक आईडी यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। आपको आना है रूल्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट रूल्स रीड फॉल्स एंड राइट फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स की जगह पे हमें यहाँ पे ट्रू कर देना है। इस कोडिंग को यहाँ से हम चेंज कर लेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ पे ट्रू। नीचे वाले को भी हम यहाँ से ट्रू कर देंगे। और करने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पब्लिश हो गया। और पब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है डेटा में। यहाँ पे इसकी यूनिक आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर आप JSONF की फाइल है इसे ओपन कर लेंगे जो मैंने डाउनलोड किया था, इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे Ctrl+A Ctrl+C। तो पूरी JSON की फाइल है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया मैंने। और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाते हैं। अपने एंड्रॉयड में आएंगे, प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और ऐप के अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे गूगल सर्विस JSON की फ़ाइल है इस पर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो पहले वाली फ़ाइल थी उसको हम डिलीट कर देंगे और उसके बाद से हमें पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया अपने न्यू वाली फ़ाइल को। फिर यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन है, सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट विथ ग्रेडल फाइल, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो प्रोजेक्ट होगा वो न्यू JSON की फ़ाइल के साथ यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देते हैं सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाता है नेट की स्पीड से। तो देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गया। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट से एंड्रॉयड में आ जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं अभी यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रहा है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे JSON फाइल को आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे सोर्स कोड में जा करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है कि आप जिस तरह से मैंने बताया इसमें आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, एंड्रॉयड के अंदर जा करके प्रोजेक्ट और उसके बाद JSON की फ़ाइल है आप पहले वाले को डिलीट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, इंपोर्ट JSON फाइल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा आपको, तो ब्राउज के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। हमारे यहाँ पे जो डेटा रहेगा, जितने भी क्वेट्स लिखा गया है, यहाँ पे सैरी लिखा गया है, फिर स्टोरी लिखा गया है, उन सब के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है ये ऐप। तो उस सबका जो डेटा बेस है यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। इसका जो फाइल होगी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड्स वाले फाइल में रखा हुआ है डेटाबेस का, ठीक है। तो JSON डेटाबेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है 2020 और यहाँ पे .JSON नेम से होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डेटाबेस की फ़ाइल है। फिर यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो जो डेटाबेस रहेगा, जितने भी शायरी आपने लिखा हुआ है, जितने भी आपने क्वेट्स लिखा हुआ है, वो सारी वो सब कुछ हम इस फाइल में हमें ऐड किया ऐड कर दिया है मैंने ऑलरेडी। कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो डेटाबेस की फ़ाइल होगी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस की फ़ाइल यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है शायरी दिया गया है। तो कुछ और यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं या फिर कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऐड हो गया सारी यहाँ पे डेटाबेस की फाइल्स फायरबेस में। तो
तो मैंने आपको प्रॉपर सारी तरीके से बता दिया किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से एडिट करना है, ऐड मूव का ऐड कैसे लगाना है, पैकेज का नेम कैसे चेंज करना है, वो सब मैंने आपको करके बता दिया है इसमें। फिर अगर कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ऐप का नेम आपको चेंज करना है तो ऐप का नेम आप चेंज कर देंगे। ऐड मूव की ऐड अगर चेंज, यहाँ पे ऐड मूव का ऐड आपको अपनी आईडी यहाँ पे लगा देना है जब इसे आप पब्लिश करेंगे प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे कैसे पब्लिश करना है मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बिल्ड एपीके जनरेट कर देंगे और इस ऐप को हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रन करा के देखेंगे। तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रन कराने के लिए हमें मेनली build.apk जनरेट करना होता है, build.apk फाइल। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे, कुछ सेकंड के बाद build.apk जो फाइल है यहाँ से जनरेट हो जाती है। यहाँ पे ऐप का नेम, यहाँ पे आइकन का नेम चेंज करना चाहते हैं तो मैंने ड्रावल फोल्डर में यहाँ पे आइकन यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मीप मैप में जाकर भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चेंजिंग मैंने यहाँ पे बता दी आपको। फिर यहाँ पे देख सकते हैं build.apk फाइल जो है जनरेट हो गई। लोकेट पे क्लिक कर देते हैं, और इस build.apk वाली फाइल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन हो जाने के बाद इस ऐप का यहाँ पे जो APK है, इस APK का जस्ट नेम यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। तो कोई भी नेम यहाँ पे देना चाहें तो आप इसे नेम दे सकते हैं। इसके बाद इसको हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में लेते हैं और इसे रन करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को ले लिया, और लेने के बाद आप देख सकते हैं उसका आइकन यहाँ पे कुछ इस टाइप का शो हो जाएगा, उसका लोगो। इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सारी चेंजिंग मैंने आपको करके बता दिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसका लेआउट ओपन हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज तो जितने भी यहाँ पे सारे शो होंगे वो सारे सारे जो है वो मैंने डेटाबेस में ऐड किया हुआ है, जो डेटाबेस में ऐड किया हुआ है वो सारी सारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर क्वेट्स है, शायरी, या फिर कोई स्टोरी आप लिखना चाहते हैं तो आप स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे चॉइस है, आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे टेक्स्ट ऐड शो हो रहा है तो टेक्स्ट ऐड भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ऐड मूव की ऐड। यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन है, बैकवर्ड का ऑप्शन है, और नीचे जो है सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरे जो यहाँ पे है वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपीड हो जाएगा, और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। फॉरवर्ड का ऑप्शन है, बैकवर्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पे जो स्टोरी रहेगी या फिर शायरी, क्वेट्स, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो जितने चाहे उतने यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर कैटेगरी के अंदर जितने चाहे उतने आप यहाँ पे जो शायरी होंगी, क्वेट्स होंगे या फिर स्टोरी होगा वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टोरी लाइक अगर आप स्टोरी ऐड करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट स्टोरी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेविगेशन बार में मिल जाएगा आपको, तो नेविगेशन बार में यहाँ पे टेक्निक ड्यूट, यहाँ पे मैंने इसका मेल लिख दिया है। और यहाँ पे अभी ज़्यादा यहाँ पे जो नेविगेशन बार है, तो नेविगेशन बार में आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और फंक्शनैलिटी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से इस सारी ऐप क्रिएट कर लेंगे। वीडियो अगर यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।